तीन अमीर और दो गरीब बहू की पहली रसोई। प्रतापगढ़ में रहने वाली सुषमा के पांच बेटे थे। सुषमा ने अपने पांचों को खूब पढ़ाया लिखाया था। एक सुबह जब सुषमा कहती है, यही सही समय है, मेरे पांचों पांडव एक साथ मेज पर जुटे हुए हैं, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला। ऐसा सोचते हुए सुषमा अपने पांचों बेटों के सामने शादी का प्रस्ताव छेड़ती है। मेरे पांचों पांडव, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। माँ, अभी नहीं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अरे, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी तो सारी उम्र भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर मुझ बुढ़िया की उम्र की सीमा है। 25 का पड़ाव पार कर चुके हो तुम पांचो, यही सही उम्र है शादी करने की। नकुल और सुजीत और राजीव के लिए शहर से रिश्ता आया था, मुझे तीनों लड़कियां जच गईं, इसलिए मैंने लगे हाथ हाँ कर दी। बस तुम दोनों को कल मेरे साथ चलना है, पंडित जी ने बड़ी ही गुणी लड़कियों का ये रिश्ता बताया है, अगर बात बन गई तो मेरे पांचों बेटों के सर पर एक साथ सहरा सजेगा। अगले दिन सुषमा अपने दोनों बेटों के साथ दीना के घर पहुँचने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ दीना भी अपनी बेटी आशा और जानवी से कहता है, आशा जानवी, ये लो बेटी, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। आशा बेटी, तू ये नारंगी रंग की साड़ी पहनना, तुझ पर बहुत फबता है। और जानवी बेटी, तू ये कत्थई रंग की पहनना, तेरे दूधिया शरीर पर ये खूब खिलेगा। और सुन बेटी, मेहमानों के लिए पूरी पकवान का जुगाड़ किए देना। जी बाबूजी, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी ही देर में सुषमा अपने तीनों बेटों के साथ गरीब दीना के घर पहुँचती है। बिराजिए बहन जी, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। आशा जानवी, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त करो बिटिया। रसोई घर से आ रही पकवानों की खुशबू सौंझ दौर से सुषमा के पास आ पहुंचती है। तभी दोनों बहनें भी चाय, नाश्ता और पकवान लिए आती हैं। अरे बेटी, पहुना के आगे पकवान परोसो। जी बाबूजी। कुछ देर बाद, अरे बहन जी, कचौड़ी तो आपने चखी ही नहीं। बस बस भाई साहब, आपकी दोनों बेटियों के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है, खाना बहुत ही बढ़िया था। सच कहा है पुरनियों ने, ऊपर वाला गरीब के घर धन की घटी देता है तो उनकी बेटियों में गुड़ रज रज कर देता है। मुझे आपकी दोनों बेटी पसंद है, ये रिश्ता तय चाहिए। ईश्वर की दया से घर में धन धान्य की कोई घटी नहीं है, अनाज की बारियां भी भरी पूरी हैं। बस घर की बागडोर संभालने वाली बहू आ जाए, आपकी बेटियों से बेहतर बहू मेरे घर के लिए कोई नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद सुषमा के घर तीन अमीर और दो गरीब बहू के ब्याह के साथ आखिरकार पांच बहुओं के पांव पड़ते हैं। मेरी गृह लक्ष्मियों, इस कलश को गिराकर भीतर आ जाओ। जी माँ जी, शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, जाओ आराम करो क्योंकि कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। सूरज के पांव फटने के साथ दोनों गरीब बहू जाकर घर का कामकाज निपटा लेती हैं। तभी तीनों बहुएं भी नहा धोकर नीचे आकर कतार में खड़ी हो जाती हैं। मेरी तीनों बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, स्कूल नहीं, पहले ही दिन देर सवेर से उठोगी तो कैसे बात बनेगी। खैर छोड़ो, आज तुम पांचों की पहली रसोई की रस्म है, इसलिए तुम पांचों को एक एक तरह के पकवान के साथ खाना बनाना है और मीठे में खीर बनाना है। पहली रसोई की बात सुनकर तीनों अमीर बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो आपस में बुदबुदाती हुई बात करने लगती हैं। आम्या, गौरजा, ये पहली रसोई कौन से पंक्षी का नाम है? अरे, मैंने मेन के मुंह से सुना था, पहली रसोई में नई नवेली बहू को 36-56 भोग बनाने होते हैं, मगर हम तीनों को तो 2 मिनट की मैगी बनाना भी नहीं आता। जस्ट चिल लेडीज, आई हैव अ वन सॉल्यूशन, हम खाना पकाएंगे नहीं बल्कि मंगाएंगे। जब जोमैटो है साथ, पैसा है पास, तो कर लेंगे कंप्लीट हर एक टास्क। इस तरह तीनों बहू अपनी अमीरी के बलबूते पर जोमैटो से ऑनलाइन अलग अलग तौर की वैरायटी का खाना ऑर्डर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहू बड़े लगन से पहली रसोई की रीत को पूरा करने में जी जान से जुटी होती हैं। जी, मैंने मीठे में खीर बनाई है और खाने में छोले पूरी। आशा, मैंने मीठे में हलवा बनाया और माँ जी के मनपसंद कोफ्ता और कढ़ी भी बनाया है, बस चावल में तड़का लगाना बाकी है, फिर एक साथ सभी को मेज पर खाना परोसेंगे। कुछ ही मिनटों में तीनों बहू का ऑर्डर किया हुआ खाना आता है। तीनों बड़ी ही सफाई से खाना ले आती हैं। तभी दोनों बहू पहली रसोई में बनाया हुआ खाना टेबल पर परोसती हैं। अरे बहू, खाने की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही है, जरा जल्दी से परोस दे, सब्र की पाती साथ छोड़ रही है। ये लीजिए माँ जी, सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, शुरू कीजिए। सुषमा ने खाने का पहला कौर उठाया ही था कि उसकी तीनों बहू से रोकती हुई कहती हैं, रुक जाइए सासू माँ, सबसे पहले आप अपनी तीन बहू के हाथों का खाना चख कर देखिए। मगर तुम तीनों किस लापता गंज में गायब थी, रसोई घर में तुमने लात भी नहीं धरी, तो ये खाना कैसे बना?
माँ जी, माना कि हमने रसोई घर का रुख नहीं किया, मगर रस्म तो हमने पूरी कर ही दी। माँ जी, ये घर का घास फूस तो साल के 365 दिन खाना है, इसलिए आज हमारा मंगाया महंगा खाना खाइए। इस तरह सुषमा की तीनों अमीर बहुएं बारी बारी से अमीरी का घमंड झाड़ते हुए उनके बीच खाना परोसती हैं। उसी दौरान दोनों गरीब बहू भी अपने हाथों का खाना परोसती हैं। तभी सुषमा, बड़ा बेटा आनंद, जानवी और आशा के बनाए खाने का कौर खाकर कहता है, ओए होए, मजा ही आ गया माँ, क्या लाजवाब खाना बनाया है आशा और जानवी ने, आप खाकर देखिए। ऐसा क्या, वैसे खाने की खुशबू तो मुझे कब से अपनी ओर खींच रही है। सुषमा अपने पांचों बेटों के साथ गरीब बहुओं का बनाया खाना खाते हुए उनकी सराहना करती है, जिसे देखकर अमीर बहुएं कुड़ते हुए कुड़कुड़ाने लगती हैं। सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आप दोनों ने, तो हलवाई को पछाड़ दिया। माँ जी, हमने पूरे 50,000 का खाना मंगवाया था, आपने उसे चखा तक नहीं। बहू रानी, तुम्हारा खाना 10,000 का भी होता ना, तो भी घर के खाने के दाने की बराबरी नहीं करेगा। बेहतर यही है कि तुम तीनों आशा और जानवी से सीख लो। ये बहू, अपनी सास की ओर से पहली रसोई का शगुन स्वीकार करो। अपने सामने गरीब बहुओं की बड़ाई सुनकर तीनों बहू तिलमिलाती हुई कहती हैं, इनकी बड़ाई सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहा है। अरे कहां हम तीनों की तारीफ होनी थी, वहीं हमारे सामने इन कल की आई गरीब बहुओं ने तारीफ बटोर लिया। फिर उसी शाम जब दोनों गरीब बहू रसोई घर में खाना बना रही होती हैं, तभी तीनों बहू खिड़की पर खड़ी ताका झांकी करती हैं। आशा, बाकी का खाना तैयार है, बस दाल में नमक डाल देना, मैं खाने की मेज साफ करती हूँ। आम्या, जाओ। ओके गाइस। हरि, सुनो, तुम्हें जेठानी जी बुला रही हैं। आशा के बाहर निकलते ही आम्या दाल में बेहिसाब नमक डालकर टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद गरीब बहू खाना परोसती है। अब मजा आएगा, ये दाल बवाल का काम करेगा। जैसे ही माँ जी बेहिसाब नमक से भरी दाल खाएंगी, उनकी जुबान से जहर निकलेगा। कुछ देर बाद, अरे वाह बहू, दाल तो बड़ा ही दमदार बनाया है, मन खुश कर दिया। शुक्रिया माँ जी। ये देखकर तीनों बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगती है और रसोई में आती है। आप तीनों यही सोच रही हैं ना कि आपकी चाल फीकी क्यों पड़ी? मैंने आपको दाल में नमक डालते देखा था। हम ये जानना चाहती हैं कि कौन सी निंजा टेक्निक से तुमने दाल को बेमिसाल में बना दिया। तड़के से हमने दाल में टमाटर प्याज का तड़का लगाया, जिससे नमक बराबर हो गया। गौरजा, आम्या, रुबीना, तुम तीनों ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आशा और जानवी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। तुम अपनी अमीरी में इतना नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ और जेठानी जी, हमने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, आपने जो किया उसके लिए आप तीनों बहुत शर्मिंदा हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप तीनों चाहें तो हम आपको खाना बनाना सिखा सकते हैं। हम तीनों अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच सम्मति का गढ़ स्थापित हो जाता है और दोनों गरीब बहू के बदौलत तीनों बहू खाना बनाना सीख लेती हैं, जिसे देखकर अंत में सुषमा कहती है, आखिरकार सुषमा की बेडंगी बहुओं में संजीव कपूर की आत्मा सवार हो ही गई। पटियाला में रहने वाली परमीत के तीन बेटे थे, जिनका नाम जस्सी, अमरिंदर और लक्की था, जो काम के सिलसिले में पटना गए हुए थे। उन्हें याद करते हुए परमीत एक सांझ कहती है, सतनाम श्री वाहेगुरु, एने दिन हो गए ने मेरे पुत नु गए, कदे आवेंगे, कोई खास खबर नहीं मैनू। तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है, वह दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहती है, एस वेले कौन खसमा नु खाने आया। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसके तीन बेटे अपनी तीन बिहारी बीवियों के संग खड़े होते हैं। तीनों बहुएं परमीत के पैरों में गिरकर कहती हैं, पाए पड़े थे अम्मा जी, हम हैं आपकी बिहारी बहुरिया। खसमा नु खानिया, हट परे, जस्सी, अमरिंदर, लक्की, किधर उठा लाए बला। माँ, मेरिया बला नाई, साड़ी वोटी ते तुहाडी बहू है। किको खोत्यो, पंजाब दी कुड़िया जोंदी सी, किधरों फड़ लाए तुसी तीनों ए बिहारी बहुओं नू। माँ, ए तीनों पटना ते हैंगी, तुसी एक बारी एना नाल गल्ला तो करके वेखो। ओ गल्ला बिरादरी वालों दे नाल हुंदी सी, ए बिहारन तो की कहांगी मैं। अपनी पंजाबी सास परमीत को ऐसा बोलता देखकर उसकी बिहारी बहू बिंदिया बोलती है, सासू माई बहुते बेइज्जती हुई गई हमरे, पटना में एक तो पुराना शब्द बहुते प्रचलित है, एक बिहारी सब पर भारी, चुपचाप हम तीनों को बहुरिया मान लो। ओह चुप कर जा, वरना मैंने तेरे टोटे टोटे कर देने हैं। माँ तुने साड़ी सुन, उन बात एनु थे ही बस कर जो, हुना तीनों ही तुहाडी बहू है सी। सिर्फ अपने पुत दे लई तुम तीनों बिहारन बहू को घर विच मैं बसेरा दें दिया,
पर एक गल ध्यान नाल सुन लो, एथे तहजीब नाल रहना। तीनों बिहारी बहुएं अपनी शादी की शुरुआत करती हैं। ससुराल के पहले दिन वह चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ जाग कर घर की साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई घर का रुख करती हैं। बिंदिया दीदी, ससुराल माँ, आज हम बहुरिया का पहला दिन है, काहे ना आज सासू माई को अपने बिहार का मशहूर दाल भात चोखा खिलाए। ए जीजी, तुम तो हमरे मुँह की बात छीन ली। तीनों बिहारी बहुएं एक दूसरे का हाथ बटाती हैं। कुछ ही देर बाद अंजलि जैसे ही दाल में तड़का लगाती है, तड़के की छौंक पूरे घर के कोने कोने में फैलते हुए परमीत के नाक में जा घुसती है। अच्छी, इन्ने सुवेर सुवेर कौन मर जाना, मेरी नींद च आफत बन बैठा। परमीत नाक मलती हुई गुस्से से रींझती हुई रसोई घर में आकर अपनी बिहारी बहुओं से बोलती है, मैनू लगया सी आ तुसी तीना दी ही करामात हुन सी, ओ खाना बनाउंदी सी या मैनू वाहिगुरु दी कोल पहुंचाने दी तैयारी करदी फिरदी ने। अरे सासू जी, काहे गरमात हो, जल्दी से गुसल खाने में नहा धोआओ। हम बहुत तुम्हार खातिर दाल भात चोखा बनाए हैं, जे खाई दाल भात चोखा ओ कबहु न पाई धोखा। धोखे दी तो गल ना करो तुम, मेरे पुत नाल ब्याह करके जबरन बन गई साडी बिहारी बहू। एक ता तोड़ी भाषा मेरे समझ ते बारा, जाने की आधे वध मैनू समझ नहीं आंदी। ए सासुमा, जब हम बिहारी बहुरिया तुम्हारी हिलराइश भाषा असी कुसी लसी पिसी समझ सकते हैं, तो हमरी भाषा काहे नहीं बोला था। ऐस तो पल्ला जे मैं तोड़ा कतल कर दावा, मेरे निगाह तो पड़े हुण आ फड़ अपना दाल भात चोखा। पहले दिन से पंजाबी सास और बिहारी बहुओं के बीच खान पान के खातिर कलेश होने लगता है। समय गुजरता है। एक सांझ परमीत टीवी पर बाबा की भजन सुन रही थी, तभी झुमकी रिमोट उठाकर टीवी का चैनल चेंज करती है, जिस पर भोजपुरी गाना बजता देखकर वह नाचना शुरू कर देती है। हाय री उठ लाली, हाय री कजरा जान मारे, तोहर तुपिश घागरा, ए गोरी कहियो तू करवाई, बुमार झगड़ा है गोरी, गजब गड्ढ रंगीला, गर्दा पाड़ दी गर्दा उड़ा दी। सतनाम वाहे गुरु, जसी छेतिया तोड़ी वोटी नू कुछ हो गया। की होया? मैनू लगदा सी तोड़ी वोटी नू मिर्गी आंदी सी, वेख इन्हां दी अतरंगी हरकत। अरे रे सासू माई, आप सरासर गलत समझत हैं, हम गुड्डू रंगीला के गाना के जबरिया फैन हैं, जब भी डीजे पर एको गाना बजत है हम खुद को ना रोक नहीं पावत हैं। हाय रब्बा, किन्ने अश्लील गाने बंदे सी तोड़ी बिहार ते लोकी ते शर्म बेच खाए ने। अरे ज्यादा बचर बचर नहीं, अरे हमरे बिहार को बेशर्म बोले से पहले ही देख लो, तुम्हारे पंजाब में सड़वा सबन गाना बजाना पियक्कड़ पर बनत है। बिहार और पंजाब के गीतों को लेकर सास बहू के बीच बवाल शुरू हो जाता है। गुस्से के मारे परमीत का पारा हाई हो जाता है। लकी छड़ मैनू, आज मैं नदा खेल खत्म कर दावंगी। अरे हाथ लगा के दिखावा, ये बिहारी बहुरी अगर तुम्हारा छक्का नहीं छुड़ाए तो हम हो चिलटुआ की दीदी नहीं। माँ झुमकी, शांत हो जाओ, आप तुसी दोनों ना मेरी सौ लगे। सुन सा जनवा, सासू माई के समझा दो, हम अपन बिहार के माटी खातिर एक ठो शब्द भी नहीं सुन सकत है। मेरी को गल सुन ले जसी, एना नु समझा दे, ए टीवी दहेज च नी लाई, आ मेरी टीवी च हाथ न लाई, वरना मैं इसके हत्ता दे खरोड़े बना देने। जसी के कारण उस वक्त तो झगड़ा सिमट जाता है, मगर सास बहू के बीच का बवाल इतनी जल्दी कहां थमने वाला था। एक सांझ परमीत की सहेली शिल्पा उसके घर आती है। ओ परमीते, कैसी है तू, सुनाए तेरे बेटे बिहार से लड़कियां ब्याह लाए, क्या तू सचमुच ने बिहारी बहू की सास बन बैठी है? तैनू की में पता लगा? अरे पूरे पंजाब के पूरे पटियाला में भी गुल बच गया कि पंजाब की परमीत बिहारी बहुओं की पंजाबन सास बन गई। अरे जरा देखूं तो सही तुम्हारी बिहारी बहुओं को। इससे पहले कि परमीत कोई बहानेबाजी करती, उसकी तीनों बिहारी बहुएं शिल्पा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। पाए लागू सासू माँ की सहेली जी। अरे का हुआ, कदुआ जैसे मुंह काहे बना ली? अरे परमीत, शायद तेरी बहुओं की सप्ताह भर का सिंदूर एक ही दिन में लगाकर कोटा पूरा कर लिया। शिल्पा के मुंह से अपने बिहारी बहुओं की बेइज्जती होता देखकर परमीत को बुरा लगता है और वो कहती है, शिल्पा ए मेरी होड़ मेरी बिहारी बहुओं दे विच दा मान, शिल्पा ए मेरी और मेरी बिहारी बहुओं दे विच दा मसला है, विच दा मसला सी, तैनू बिचोलन दी, तैनू बिचोलन बनने दी होड़ नी, हुन छेदी छेदी मेरी निगाह तो परे हो जा।
हाँ हाँ जी जा रही, ऐसी बिहारी बहुओं से बात भी कौन करना चाहता है। ए काकी, ज्यादा बकर बकर ना ही करो हमारी सासू जी से, काहे कि हम बिहारी बहुओं के दो बोल सुन लोगी ना तो सहन नहीं होगा। शिल्पा के चले जाने के बाद बहुएं कहती हैं, अम्मा जी थैंक यू, आज आपने अपन बिहारी बहुओं के पक्ष में बोलकर हमरा करेजक बकुनी बकुनी ना ही होई दी। तोड़े बोलन दा मतलब दिल दे टूटे टूटे सी ना। गजब चाचा, इका मतलब अब हमरी पंजाबन सासू माँ को हूँ बिहारी बहुओं के बोल बच्चन बुझाए लागल है। हुन डांगर वर्गी उछल कूद ना करो सासू माँ। यह खुशी के मौके पर का आज हम बहुरिया अपन बिहार का लिट्टी चोखा बना सकते हैं? बना लो। पर सासू माँ, लिट्टी चोखा आपके भी खाए पड़ी? अरे रे, एक दफा लिट्टी चोखा चटकारा लगा के तो देख लियो। ठीक बा, हुन बनाओ तो मेरी बिहारी बहुओं। तीनों बिहारी बहुएं फेटा बांध कर अपनी पंजाबी सास के लिए लिट्टी चोखा बनाती हैं। कुछ देर बाद, ई लेओ सासू माई, बिहारी बहु स्पेशल लिट्टी चोखा चटकारा लगा देखो। परमीत जैसे ही अपनी बिहारी बहुओं के हाथ का बना लिट्टी चोखा खाती है तो वह कहती है, वाह जी वाह, मैनू तक खबर ही नहीं सी कि मेरी बिहारी बहुएं इन्ना स्वाद खाना बनाउंदी सी। ए लिट्टी चोखा तो बहुत स्वाद बने है। शुक्रिया सासू माई। इस तरह बिहार से आई तीन बिहारी बहुएं आखिरकार अपनी पंजाबी सास के दिल में जगह बना ही लेती हैं, जिसके बाद से दो अलग राज्यों की पंजाबी सास और बिहारी बहुओं के बीच आपसी साझेदारी जुड़ जाती है, जहां वह लोढ़ी से लेकर छठ पर्व भी एक साथ धूमधाम से मनाया करती हैं। घर के सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, जिसमें से अनुपमा की तीन बहू रेखा, संजना, रूपा तीनों ही अपनी प्लेट को भरकर खाना खाना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर अनुपमा कहती है, अरे बहू, तुम तीनों इतना खाना क्यों खाती हो? अरे जरा अपनी हालत तो देखो, खा खा कर सांड होती जा रही हो। लो माजी, खाने से पहले ही आपने टोक लगा दी। अरे इतना तो हमारे मायके वाले भी हमें खाने के लिए नहीं टोकते जितना आप टोकती हो। ओहो माजी, आप तो जानती ही हो कि हम तीनों खाते पीते घर की हैं। आपकी इन दोनों बहुओं की तरह नहीं है, बिल्कुल सुखी सी हैं। जरा एक बार आकांक्षा और मीनाक्षी की तरफ तो देखो। अरे क्या देखूं मैं उनकी तरफ? हाँ, तुम तीनों से तो बिल्कुल ठीक है। फिर बेचारी बेशक गरीब खानदान से आई है, लेकिन खाने पर भी कंट्रोल है और घर के काम काज में भी ठीक है। अरे तुम तीनों से तो एक गिलास भी नहीं उठाया जाता। हाँ तो माँ जी, हम तीनों सारा दहेज भी तो साथ में लेकर आए थे। देखो माँ जी, हम पहले ही ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, हम अपने मायके चली जाएंगी। और वैसे भी जितना हम खाती हैं तीनों की तीनों, उससे ज्यादा तो हमारे मायके वाले हमारे लिए राशन भेज देते हैं। उन तीनों की ये बात सुनकर अनुपमा अपने मन ही मन सोचती है, ओहो, मेरी ही गलती थी जो दहेज के लालच में मैंने इन तीनों की शादी अपने बेटों से करवा दी। इससे अच्छा होता कि मेरे बेटे कुवारे ही मर जाते, कम से कम इन मोटी भैंस सांड जैसी बहुओं को मुझे संभालना तो ना पड़ता। ऐसा सोचकर वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा, रूपा और संजना खाने की टेबल से तनिक भी हिलती नहीं है, वो अपना पूरा खाना खाती है। ये सब देखकर आकांक्षा और मीनाक्षी अनुपमा के लिए एक थाली में खाना परोसती है और उसके कमरे में ले जाती है। ओहो माँ जी, कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल रखो, अगर खाना नहीं खाओगी तो आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों होती हो? अगर वो तीनों काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम हैं ना घर के काम करने के लिए। अरे लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम दोनों नहीं जानती हो मेरी सहेलियाँ कितना मजाक उड़ाती हैं मेरा। कहती हैं कि तूने तो तीन सांड पाल रखे हैं अपने घर में, अब मैं उनको क्या कहूँ। अनुपमा की बात सुनते ही मीनाक्षी और आकांक्षा दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी सास अनुपमा को खाना खिलाती है और घर के बाकी कामों को करने के लिए चली जाती है। एक तरफ तो आकांक्षा और मीनाक्षी घर के काम कर रही होती हैं, तो दूसरी तरफ रेखा, रूपा और संजना तीनों टीवी के आगे बैठकर फिल्म देख रही होती हैं और साथ में कुछ न कुछ खा ही रही होती हैं। मीनाक्षी और आकांक्षा को काम करते हुए देख वे तीनों उनसे कहती हैं, हे भगवान, ये बेचारी गरीब परिवार से है, इसीलिए माँ जी सारा काम इनसे करवाती है। अब हमारे ऊपर तो उनका जोर चलता नहीं, तो फिर वो काम करवाएंगी भी कैसे? इसीलिए कहते हैं अमीर होने के फायदे तो अलग ही होते हैं। इन दोनों को देखो तो सही, बेचारी घर के काम कर करके कितनी पतली हो गई हैं। घर के काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब माझी की उम्र हो गई है और अगर इस उम्र में वो हमारे सामने घर के काम करेंगी तो हमें कैसा लगेगा? और फिर
घर के काम करने से तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता ही है, हाथ पैर चलते रहते हैं, बॉडी फिट रहती है। एक तो हमारी माँ जी और फिर हम तीनों की ये दोनों देवरानी, ये दोनों कितनी पतली हैं और हम तीनों देखो कितनी मोटी हैं। अरे हमें तो कोई देखते ही दूर से ही कह देता होगा कि हम खाते पीते घर से हैं। और सूखी हड्डियों को देखकर तो कोई भी बता देगा कि ये कितने गरीब परिवार से है। वो तीनों अपनी देवरानियों का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती हैं, लेकिन आकांक्षा और मीनाक्षी अपनी जेठानियों की बातों का कोई बुरा नहीं मानती। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये हमारी जेठानियां हैं, अगर कुछ कह भी देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये तीनों खा खा कर इतनी मोटी हो चुकी हैं, इनसे हिला भी नहीं जाता। हमें इन तीनों की आदत को सुधारना ही होगा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। तभी मीनाक्षी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो उसे आकांक्षा को बताती है, जिसके बाद मीनाक्षी और आकांक्षा दोनों मिलकर अनुपमा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, देखिए माँ जी, हमारी तीनों जेठानियां खा खा कर इतनी मोटी हो गई हैं, अब उनसे तो हिलना भी नहीं हो पाता, इसलिए हमने कुछ सोचा है, क्या आप भी इसमें हमारी मदद करोगी? अगर हमने ऐसा कुछ किया तो वो तीनों की तीनों लाइन पर आ जाएंगी। आकांक्षा और मीनाक्षी अपने प्लान में अपनी सास अनुपमा को भी शामिल कर लेती हैं। जिसके बाद अगले दिन सुबह जैसे ही होती है, अनुपमा गुस्से से आकांक्षा और मीनाक्षी के पास जाती है और कहती है, अरे तुम दोनों की दोनों अभी तक क्या कर रही हो? तुमने नाश्ता भी नहीं बनाया है, मेरी तीनों बहू अभी तक बिना नाश्ते किए घूम रही हैं। अरे कुछ तो ख्याल रखो अपनी जेठानियों का। माँ जी, आप हमसे ऊंची आवाज में बात क्यों करती हो? भला हमने ऐसा क्या किया है? अगर हम गरीब घर से हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह जोड़ी करने की? रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अनुपमा मीनाक्षी और आकांक्षा का सामान पैक करती है और उनके हाथ में पकड़ा कर कहती है, ये पकड़ो अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम दोनों, वैसे भी इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। अरे गरीब होना कोई पाप नहीं होता, गरीब के ऊपर जुल्म करना पाप होता है। ऐसा करके आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही हो, जो कुछ होगा आपके साथ ही होगा और आपकी वो तीनों बहुओं के साथ होगा। ऐसा कहकर मीनाक्षी और आकांक्षा दोनों गुस्से से घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद अनुपमा को बहुत तेज भूख लगती है और वो अपनी तीनों मोटी बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, अब मेरी बिचारी गरीब पतली बहू तो चली गई, यानी कि आकांक्षा और मीनाक्षी तो चली गई है, अब घर के काम तो मुझसे होंगे नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी उठो और घर का काम कर लो और सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता बना लेना, बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा कहकर अनुपमा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों उठकर घर का काम करना शुरू करती है। एक झाड़ू लगाती तो उसे झुका नहीं जाता, दूसरा पोछा लगाती तो उससे पोछा भी नहीं लगता, तीसरी खाना बनाती तो उसे खाना भी नहीं बनाना आता। वे तीनों एक ही दिन में घर का सारा काम करके बहुत ज्यादा थक जाती है। शाम को वो तीनों रोते हुए अनुपमा के पास आती है और कहती है, माँ जी, आपने मीनाक्षी और आकांक्षा को क्यों भेजा? आप उन्हें दोबारा से बुला लीजिए, हमारी देवरानी जैसी भी हैं बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ माँ जी, उनके बिना एक दिन ना होने से हम तीनों पर जो बीती है हम आपको बता भी नहीं सकते। आज समझ आया कि वो दोनों बेचारी घर का कितना सारा काम किया करती थी। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तुम्हें उन दोनों की कीमत तो पता चली। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं उन दोनों को एक ही शर्त पर बुलाऊंगी, जो भी शर्त है हमें मंजूर है। उनके आने के बाद तुम तीनों उनके साथ घर के सभी कामों में उनकी मदद करवाओगी और उतना ही खाना खाओगी जितना तुम्हें खाना चाहिए, हद से ज्यादा खाना तुम भी नहीं खाओगी। वे तीनों अनुपमा की दोनों शर्त मान लेती हैं, जिसके बाद अनुपमा तुरंत आकांक्षा और मीनाक्षी को बुला लेती है। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्योंकि हम दोनों कहीं गए ही नहीं थे, हम तो घर में ही थे। मीनाक्षी उन तीनों को अपने प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद वे तीनों भी हंसने लगती हैं और उस दिन के बाद से वो तीनों आकांक्षा और मीनाक्षी के साथ मिलकर काम करवाती हैं और लिमिटेड खाना ही खाती हैं, जिसे देखकर अनुपमा को बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहती है। चंदा की शादी चमन से हो जाती है, जिसके बाद चंदा शादी करके चमन के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के बाद चंदा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और उन्हें पूरी तरह संभाल भी लेती है और घर के सभी सदस्यों की देखभाल भी अच्छे से करती है। चंदा का स्वभाव देखकर उसकी सास पार्वती उससे बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से कहती है, अरे बहनों, जब से मैंने अपने बेटे चमन की शादी चंदा से की है, चंदा इतनी अच्छी बहू है कि मैं क्या बताऊं।
जानते हो, हर एक चीज में बचत भी बहुत अच्छे से करती है। घर को किस प्रकार चलाना चाहिए ये तो मेरी बहू चंदा से सीखो। अरे वाह पार्वती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे कम से कम तुम्हारी गरीबी को समझ कर तो चलती है। मेरी बहू से तो दिन भर टीवी दिखवा लो या फिर उससे आराम करवा लो, बस यही कर सकती है। इसके अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं। सभी अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां करने लगती हैं। पार्वती को अपनी बहू की तारीफ करते हुए बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद रात के समय चंदा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति को देखते हुए कहती है, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बिस्तर से निकलकर सीधा रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। अरे वाह क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी की। इसे जल्दी से गर्म कर लेती हूँ, फिर इसे बैठकर आराम से खाऊंगी। चंदा बिरयानी गर्म करके खाने लगती है, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन चंदा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी, उसी वक्त उसकी सास पार्वती उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे चंदा तुम खाना क्यों बना रही हो? कल रात की ढेर सारी बिरयानी फ्रिज में रखी है, उसे ही गर्म कर लो। अरे माजी, फ्रिज में तो कोई बिरयानी नहीं है, मैंने सुबह ही देखा है। अरे बहू ठीक से देख, फ्रिज में वही कहीं बिरयानी रखी होगी। पार्वती खुद ही फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन उसे फ्रिज के अंदर बिरयानी कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है, इतनी सारी बिरयानी आखिर गायब कहाँ हो गई? चंदा चुपचाप खाना बनाती रहती है और किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद पार्वती वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई बार किचन से रात का बचा हुआ खाना गायब हो जाता है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये सब क्या हो रहा है। लगता है रात के समय चमन खाना खाने के लिए उठता होगा और खाना खाकर सो जाता होगा। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। पार्वती उस दिन रात के समय सोती नहीं है। जैसे ही रात के समय पार्वती को किचन से हलचल महसूस होती है, वो तुरंत किचन में जाकर देखने लगती है। आज तो मैं इस चमन के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी, रोज रोज रात के समय किचन से सारा खाना खा जाता है। अरे इसी तरह चलता रहा तो पैसों की बचत कैसे होगी? ये सोचकर पार्वती जैसे ही किचन का दरवाजा खोलती है, उसे किचन के अंदर उसकी बहू चंदा खाना खाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते ही पार्वती अपने मन ही मन सोचने लगती है, ओहो ये सब मैं क्या देख रही हूँ, मेरी बहू तो पेटूली निकली। हे भगवान, खाना खाते समय तो ये बिल्कुल हपसन लग रही है। कुछ देर पार्वती चंदा को खाना खाते हुए देखती रहती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उस समय भी उसके दिमाग में खाने के बारे में ही चल रहा होता है। आज तो मैं बहुत सारी चिकन करी बनाऊंगी, बहुत दिनों से चिकन करी खाने का मन कर रहा है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी पार्वती किचन में आती है और उससे कहती है, अरे बहू क्या बना रही हो आज? माँ जी अभी तो मैं नाश्ते के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि दोपहर में चिकन करी बना लूँ। अच्छा चिकन करी, ठीक है आज तुम जो मन करे ना वही बना लो। ऐसा कहकर पार्वती चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चंदा खुशी खुशी सबके लिए नाश्ता बनाकर दोपहर के समय चिकन कड़ी बनाना शुरू कर देती है। चंदा अपने आप 3 किलो चिकन लेकर आती है और उससे चिकन कड़ी बनाती है। जैसे चिकन कड़ी बन जाती है, कमला चिकन कड़ी की खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह क्या खुशबू है, पेट में तो बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद पेट भर के खाऊंगी। ऐसा सोचकर चंदा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे बहू तुम खड़ी क्यों हो, तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं नहीं माँ जी, आप सब लोग आराम से खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए। चंदा वहाँ खड़ी हुई सबको चिकन कड़ी परोसती है, जिसके बाद जब सब लोग कड़ी चिकन खा लेते हैं तो वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सबके खाने के बाद चंदा एक बड़ी सी थाली में अपने लिए चिकन कड़ी परोसती है और सीधा अपने कमरे में ले जाती है। बस बस बहुत हुआ इंतजार, अब तो मैं चिकन कड़ी खा कर ही रहूंगी। चंदा तुरंत चिकन कड़ी के ऊपर टूट पड़ती है, देखते ही देखते वो पूरी थाली चट कर जाती है। लेकिन खाने के कुछ ही देर बाद चंदा के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, मैं खाने से पहले फ्रेश होने गई थी, लेकिन अब दोबारा से
चलो कोई बात नहीं, लगता है ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। ऐसा सोचकर चंदा दोबारा से फ्रेश होने जाती है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है कि तभी उसके पेट में दोबारा से गुड़गुड़ होने लगती है, जिसकी वजह से चंदा को दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही 5 मिनट में चंदा 5 बार टॉयलेट के चक्कर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है, मेरा पेट, ओहो मेरा पेट तो बहुत ही बुरी तरह से गुड़गुड़ कर रहा है, अब मैं क्या करूं? चंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती उसे चुपचाप देख रही थी, जिसके बाद पार्वती अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा, आखिर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक तो हम लोग गरीब हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है जितना मेरी बहू खाना खाती है। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है, लेकिन मुझे माफ कर देना, ये सब इसको सबक सिखाने के लिए किया है। ऐसा सोचकर पार्वती थोड़ी देर चुपचाप चंदा को देखती रहती है, जिसके बाद कुछ देर में ही पार्वती चंदा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे है, कोई परेशानी है क्या? चंदा को ना चाहते हुए भी पार्वती को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसके बाद पार्वती उसके बात सुनते ही उससे कहती है, यही तो बात है, अरे अगर हद से ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो ही जाओगे, इसीलिए तुम्हें हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हारा पेट डाइजेस्ट कर सके। इतनी चटोरी जुबान की वजह से आज तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे दवाई लेकर आती है और चंदा को दे देती है। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद ही चंदा ठीक हो जाती है और अपनी सास पार्वती से कहती है, आज मुझे पता चला कि ज्यादा खाने की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है। शादी से पहले माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी हद से ज्यादा नहीं खाऊंगी। चंदा की बातें सुनकर पार्वती अपने मन ही मन सोचती है, क्या बात है, मेरे जमाल घोटा ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया, आखिरकार मेरी बहू को आटे दाल की कीमत पता चल गई, अब बहू को समझ आ जाएगा कि खाना हमेशा लिमिट से ही खाना चाहिए। पार्वती ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी को देखकर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान बार बार वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। सलोनी एक बेचारी गरीब जवान लड़की थी, जिसके माता पिता की 1 हफ्ते पहले ही मौत हुई थी, जिस वजह से वह अनाथ हो गई और इधर उधर भूखी प्यासी भटकने लग गई। बेहाल रूप में सड़क पर चलते हुए वह कहती है, क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगी और कब तक कैसे भटकती रहूं? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है शहर में जिसके घर जाकर मैं रह सकूं। सलोनी रोकर गुमसुम चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। वह न आओ देखती है न ताओ सिर्फ चल रही थी। तभी एक ट्रक बड़ा सा बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है और ट्रक वाला उसे मार कर चला जाता है। सलोनी खून में लथपथ होती है और वह अपने चुड़ैल रूप में उठकर चलने लगती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई थी। बेवड़ा था वो ट्रक वाला, अकल नाम की चीज नहीं है, ट्रक चलाना ही नहीं आता, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था ट्रक तो, लेकिन मेरी किस्मत मैं बच गई। लेकिन ऐसी किस्मत को क्या फायदा जहाँ मैं अनाथ हो चुकी हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, अगर मेरे माँ बाप ने शादी करा दी होती तो आज मेरे साथ कोई हम सफर तो होता। तभी एक भूतिया बंदर उसकी बात सुन लेता है और पेड़ के बेल से लटकते हुए उसके कदमों में एंट्री मारता है और कहता है, आए, कितनी औसम है ये, इतनी खूबसूरत, वाह वाह, हट जा यहाँ से बंदर कहीं का। ए सोन पापड़ी, तू बंदर किसको बोली, आप उनका नाम मजनू, मजनू देख मैंने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, सोन पापड़ी, इतनी खटारी सी शक्ल में भी मैंने तुझे सोन पापड़ी बोला, मतलब कि तू बहुत सुंदर है, आप उनके लिए एकदम फिट है। क्या है बे, शर्म नहीं आती तुझे भूतिया बंदर कहीं का, मेरे को तू खटारी शक्ल का कैसे बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी, और क्या अपुन टपुन शपुन लगा रखा है। हाँ नहीं आती शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो तुमने सुनी होगी हा? अगर मैं भूतिया बंदर हो गया तो तू भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है ना पागल औरत। क्या बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई चुड़ैल बोलने की, तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो मर के भी जी रही हूँ। तू मेरी ही तरह है जो मर कर भी चुड़ैल बनकर मेरी आँखों के आगे खड़ी है,
विश्वास नहीं होता तो देख और चल मेरे साथ। मजनू बंदर उस अनाथ लावारिस चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाता है और पानी में शक्ल दिखाता है। क्या है और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है? वो सब छोड़ो, पहले तो अपनी शक्ल पानी में देख, चुड़ैल के माफिक लग रही है। मजनू बंदर की बात सुनकर वो जैसे ही नदी के ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखती है तो अपनी चुड़ैल शक्ल देख कर वह रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है जब वो ट्रक आ रहा था उसी वक्त शायद मेरी मौत हो गई और फिर मैं यहाँ आ गई। ओहो डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा भी कोई नहीं है, अपन दोनों साथ में रहेंगे। मेरा नाम मजनू और तुम मेरी लैला। देखो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा जिस पर तुम नाचोगी। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। मजनू की बात सुनकर चुड़ैल डांस करने लगती है। तभी बंदर बोलता है, और विश्वास कर लो तुम मर चुकी हो, जैसे तुम चुड़ैल हो वैसे ही मैं भूतिया बंदर हूँ। पूरे जंगल में कोई भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एक मिनट, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखे। वाह, इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो और अब पूछ रही हो। ओ मेरी क्यूट सी लैला, मैं भूतिया बंदर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। बार बार मेरे को लैला बोलकर इरिटेट मत कर। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है और बंदर कला मुंडी मार कर टार्जन की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और पेड़ पर चढ़े हुए कहता है, अरे ओ मेरी लैला, जाने मान, रुको तो। तभी वो उसे पलट कर देखती है। क्या है मजनू? देखा देखा, कैसे मुझे पलट कर देख रही हो? इसका मतलब तुम्हें अपना ज्यादा नाम मंजूर है, पर अब से मैं तुम्हें लैला ही बोलूंगा, मेरी लैला। सच में इस पूरे जंगल में यही बंदर है जो मेरा दिमाग चाट रहा है। हाँ कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब बंदरों की तरह हो, चलो मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ। ओहो मेरी लैला को केला चाहिए, कितने लाओ, इस जंगल में बहुत सारे केले हैं। लंबे लंबे नाखूनों से तुम्हें नोच दूं, से पहले तुम मेरे लिए केले लेकर आ जाओ वरना अंजाम जानते हो। अच्छा बाबा लाता हूँ, कूल डाउन कूल डाउन। तभी भूतिया बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए केले के पेड़ पर पहुंच जाता है और बहुत सारे केले लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये लो जानेमन, तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट मीठे मीठे केले लेकर आया हूँ, खा लो। केले, बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खा लेती हूँ। ये कहते ही अनाथ चुड़ैल एक एक करके सारे केलों को खत्म कर देती है और बड़ी हैरानी से मजनू बंदर उसे देखता है और बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी, सारे खा गई, हफसन चुड़ैल कहीं की। पर छोड़ो, मेरा दिल आ गया इस पर अब। हाय दैया, बड़ी जोर की हमें भूख लगी थी, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें तो रोटी सब्जी ही चाहिए। मेरे पास एक आईडिया है, क्यों ना हम एक ढाबा चलाएं, उस खाने को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और तुम्हें तरह तरह का खाना भी मिल जाएगा और इस जंगल में रहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो चलो हाईवे पर एक ढाबा खोल लेते हैं। तभी भूतिया बंदर और चुड़ैल मिलकर हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिस ढाबे का नाम था लैला मजनू का ढाबा। तभी बंदर बाहर जाकर कहता है, आइए आइए, शाही और स्वादिष्ट लबाबदार जायकेदार खाने को खाइए, इस ढाबे में आपका स्वागत है। मम्मी देखो तो, ये बंदर तो बोलता भी है, हमें इसके ढाबे में खाना खाना है। हाँ बोलता है, अच्छा जिद मत करो, चलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर का ढाबा। ये बोलते ही दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं, जहाँ चुड़ैल रूप बदल कर उनसे ऑर्डर लेती है। तो बताइए आपको क्या क्या खाना चाहिए, हमारे मेन्यू में सब कुछ है। ऐसा करो, आप मटर पनीर, नान मिक्स, वेज सब्जी ले आओ। ठीक है मजनू, जल्दी जाओ और आकर खाना सर्व करो। जी मालकिन, बहुत बन रही है अपने आप को, थोड़े दिन की बात है फिर मैं ये सब नहीं करने वाला। ये बोलकर बंदर सभी को खाना परोसता है एक एक करके। बंदर को देख ढाबे पर भीड़ लग जाती है और सब आने लगते हैं। सलोनी खाना बनाती थी तो बंदर सबको खाना परोसता था, जिससे उनका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक रात मजनू बंदर चुड़ैल से कहता है, अच्छा बताओ मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे देखो मैं तो सरप्राइज देने वाला हूँ, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे करती हो? तुम पागल हो, आखिर एक चुड़ैल बंदर से कैसे प्यार कर सकती है? कर सकती है, बस ढाबे पर एक जना और आ जाए उसके बाद मेरा श्राप खत्म। नहीं कर सकती। ठीक है, कल का इंतजार करो फिर।
ऐसे ही दोनों ढाबे पर एक और जने को खाना खिला देते हैं तो बंदर चुड़ैल का हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे ले जाता है। तभी वो भूत में तब्दील हो जाता है और खुश होकर कहता है, वाह, मैं तो अपने असली रूप में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने, लैला, यही सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था। अब बताओ, बंदर से प्यार नहीं कर सकती? मुझसे तो कर सकती हो। ये सब क्या है, तुम भूत कैसे बन गए मेरी तरह? दरअसल मैं तुम्हारी तरह ही मरने के बाद इस जंगल में भटक रहा था, तो एक तपस्वी बाबा का मुझसे उनका कमंडल गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। धूर्त दुष्ट, भूत कहीं के, तूने मेरा ध्यान भटकाकर तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस जंगल में बंदर बनकर भटकता रहेगा, और वापस तभी हो पाएगा जब बंदर के रूप में तू एक ढाबे को खोलेगा और खाना खिलाएगा। तपस्वी के ये कहते ही उस श्राप से वो एक बंदर बन जाता है और इस जंगल में भटकने लगता है। उसके बाद तुम आई और पहली नजर में मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट कर रहा था। अब बताओ, प्यार करती हो? ये चला जाऊं छोड़कर? तभी गले लिपटकर चुड़ैल उससे कहती है, नहीं नहीं, अब तो मुझे छोड़कर मत जाना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जंगल में मिली थी जब से ही, और तुम तो मेरी कैटेगरी के ही निकले। मैं चुड़ैल, तुम भूत और हमारा प्यारा सा ढाबा। ओ मेरी प्यारी लैला। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं।